51 शक्ति पीठों में से एक है माँ तारा चंडी धाम। बिहार के सासाराम से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर की पहाड़ियों की गुफा में स्थित देवी का ये धाम अलौकिक है। मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर इस मंदिर के पास पहाड़, झरने और अन्य जल स्रोत हैं। इस पीठ के बारे में एक वंदति है कि सती के 3 नेत्रों में से श्री विष्णु के चक्र से खंडित होकर दाया नेत्र यहीं पर गिरा था, जो तारा शक्ति पीठ के नाम से विख्यात हुआ। मंदिर की प्राचीनता के बारे में कोई ठोस साक्ष्य लिखित रूप से नहीं है, लेकिन मंदिर में स्थित शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि 11वीं सदी में भी ये देश के ख्यात शक्ति स्थलों में से एक था। कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र ने इस पीठ का नाम तारा रखा था। दरअसल यहीं पर परशुराम ने माँ तारा की उपासना की थी। माँ तारा इस शक्ति पीठ में बालिका के रूप में प्रकट हुई थी और यहीं पर चंड का वध कर चंडी कहलाई थी। मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। मंदिर के गर्भगृह के समीप संवत 1229 का खरवार वंशीय राजा प्रताप धवल देव द्वारा ब्राह्मी लिपि में लिखवाया गया शिलालेख भी है, जो मंदिर की ख्याति और प्राचीनता को दर्शाता है। पुराणों, तंत्र शास्त्रों, प्रतिमा विज्ञान में माँ तारे का चंडी जैसा रूप वर्णित किया गया है। उसी अनुसार सासाराम में 10 महाविद्याओं में दूसरी माँ तारा अवस्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर जब अपनी पत्नी सती के मृत शरीर को लेकर 3 लोकों में घूम रहे थे, तब संपूर्ण सृष्टि भयभीत हो गई थी। उस दौरान देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया था। जहां जहां सती के शरीर के खंड गिरे, उसे शक्ति पीठ माना गया। सासाराम का तारा चंडी मंदिर भी उन्हीं शक्ति पीठों में से एक है। कहा जाता है कि माता सती की तीसरी आंख इसी जगह गिरी थी, जिसे तारा के नाम से जाना जाता था, और असुर चंड का वध करने के बाद तारा चंडी के नाम से विख्यात हुई। धाम पर शारदीय और चैत्र नवरात्र के दौरान सावन महीने में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है। सावन महीने में यहाँ 1 महीने का भव्य मेला भी लगता है। श्रावणी पूर्णिमा के दिन स्थानीय लोग देवी को शहर की कुल देवी मान चुनरी कढ़ैया के साथ काफी संख्या में प्रसाद चढ़ाने धाम पर पहुंचते हैं। हाथी घोड़ा और बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। शारदीय नवरात्र में लगभग 2 लाख श्रद्धालु मां का दर्शन पूजन करने पहुंचते हैं। यहां देवी के नेत्र रूप की पूजा की जाती है। इस स्थान को मनोकामना सिद्ध देवी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है, सच्चे दिल से मांगी गई हर मुराद देवी पूरी करती है, जिस वजह से भी देवी का धाम हमेशा भक्तों से भरा रहता है।